नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बाय इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों कि हमने सीएसआर नेट के लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी का यूनिट शुरू किया था और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट में हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे आइलेंस इंडक्शन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट और ये आज का हमारा चौथा लेक्चर होगा दोस्तों। सो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसआर नेट के लिए आइलेंस का डेवलपमेंट वर्टिब्रेट के अंदर, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आइलेंस होते क्या है उसके लिए हमें आई का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना होगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका डेवलपमेंट एक्चुअली कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आइलेंस मतलब आइलेंस के डेवलपमेंट के बारे में। तो शुरू में हमें तो देखना होगा कि दोस्तों कि व्हाट इज अबाउट द आई का स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कि मान लो कि हमारे पास ये लेंस है जो हमारे आईज का लेंस है, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लो कि ये दिस आर द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये कौन है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है और सस्पेंसरी लिगामेंट के आगे वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज अबाउट द आयरिस। ये किसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, आयरिस का स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर हम पहले बनाएंगे नॉर्मल आई का, तो लेंस का क्या काम होता है वहाँ पे उसके बारे में भी बात करेंगे हम। और उसके बाद ओके तो आईज जो होते हैं हमारे, तो एक हमारे बॉडी का सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन जो विजुअल सिग्नल को हमारे जो इन्वायरमेंट से जो विजुअल सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को कहाँ पे भेजता है, ये नर्वस सिस्टम को भेज देता है विजुअल सिग्नल को, तो उसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, सेंसरी ऑर्गन कहेंगे। तो आईज आर ह्यूमंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आई होता है उसका वो कौन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। तो सेंसरी ऑर्गन को हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। सो ओके तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे दोस्तों, लेंस कह रहे थे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लेंस और लेंस के लेंस को जो स्ट्रक्चर बाइंडेड है यहाँ पे, तो कुछ लिगामेंट्स होते हैं उन लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट के पीछे वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ सीलियरी बॉडी स्ट्रक्चर। इसे ही हम क्या कहेंगे, सीलियरी बॉडी स्ट्रक्चर, सीलियरी बॉडी का स्ट्रक्चर कहेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलियरी बॉडी। और ये जो आगे वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज, आगे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज नोन एज आयरिस ऑफ आई। इसे क्या कहेंगे हम, आयरिस वाला स्ट्रक्चर। दिस इज द आयरिस ऑफ ह्यूमन आई, आयरिस वाला। और दो आयरिस के बीच वाला जो गैप होता है ना, उस गैप को ही हम क्या कहेंगे, प्यूपिल कहेंगे। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, थ्रू विच लाइट विल एंटर इन टू द आईज एंड विल इंसिडेंट ऑन द रेटिना, जो कहाँ पे इंसिडेंट होगी, रेटिना के ऊपर। जो तो एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अ प्यूपिल। एक इसका स्ट्रक्चर होगा प्यूपिल वाला। और दोस्तों यहाँ से हमें एक अंदर अंदर की साइड में एक स्ट्रक्चर निकालना होगा यहाँ पे, सो दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज अ रेटिना का स्ट्रक्चर होगा। वो जो स्ट्रक्चर होगा अंदर वाला, तो स्ट्रक्चर किसका होगा, वो रेटिना का स्ट्रक्चर होगा। दैट स्ट्रक्चर विल बी अबाउट द रेटिना का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, तो दैट स्ट्रक्चर इज अबाउट द रेटिना स्ट्रक्चर। ये किसका लेयर होगा, रेटिना का स्ट्रक्चर होगा ये। दिस इज द रेटिना स्ट्रक्चर। जिसके ऊपर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। जिसके ऊपर क्या फॉर्म होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो मान लीजिएगा कि ये रेटिना का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर होगा, रेटिना का लेयर होगा, रेटिना। रेटिना के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था पोस्टीरियर आई में, दैट इज अबाउट द कोरॉइड, कोरॉइड वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज अबाउट द उसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, यहां से वो जाएगा बाहर की ओर। दैट इज नोन एज अ स्क्लेरा, स्क्लेरा ऑफ ह्यूमन आई।
ये हो गए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्क्लेरा, स्क्लेरा कहेंगे। और उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था, सेकंड वाला स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ कोरोइड, कोरोइड। और उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज अबाउट द रेटिना। तो इसके हिसाब से बाहर से अगर अंदर की ओर हम जाते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बाहर से अगर अंदर जाते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड आइज के अंदर अगर हम एंटर करते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर आउटसाइड में कौन होगा, पहला स्ट्रक्चर जो आउटसाइड में पाया जाएगा, दैट इज अबाउट द स्क्लेरा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये, स्क्लेरा। कवरिंग होती है आइज के लिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग। दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे वो होगा कोरोइड वाला स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर इज अबाउट द कोरोइड। और जो तीसरा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, दैट इज अबाउट द रेटिना, दैट इज अबाउट द रेटिना का स्ट्रक्चर। सो दिस फॉर्म द, पहले जो दो स्ट्रक्चर है ऊपर वाले, स्क्लेरा एंड कोरोइड, विल फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करेंगे। दिस फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आई, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आई। जो ह्यूमन का आई होता है ना, वो तो सिंपल आई होता है, कंपाउंड आई नहीं होता है। कंपाउंड आई हमें इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है और वहाँ पे बहुत सारे उमेटिडिया वगैरह देखने को मिलते हैं हमें। और जो उसके बाद एक कैविटी हमें देखने को मिलती है अंदर की ओर आइज के, और दैट कैविटी इज नोन एज अ विट्रस कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज अ विट्रस कैविटी। इसे हम क्या कहेंगे, विट्रस कैविटी कहेंगे या विट्रस चेंबर कहेंगे। विट्रस चेंबर, जिसके अंदर कौन होता है, विट्रस फ्लूड होता है, उसके अंदर कौन होगा, विट्रस चेंबर के अंदर विट्रस फ्लूड होगा, विट्रस फ्लूड। विट्रस चेंबर के अंदर जो फ्लूड होता है वहाँ पे, दैट इज अबाउट द विट्रस फ्लूड। और जो अंदर वाला पार्ट हमने देखा था, दैट इज अबाउट द रेटिना। आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि रेटिना के भी दो पार्ट होते हैं वहाँ पे, पिगमेंटेड रेटिना एंड एपिथेलियल रेटिना या न्यूरल रेटिना हम बात करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर हम बोल रहे थे यहाँ पे कि सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, दैट इज अबाउट द कॉर्निया। ये स्ट्रक्चर किसका होगा, कॉर्निया का स्ट्रक्चर होगा। और कॉर्निया के बाहर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द कॉर्निया के बाहर भी एक स्ट्रक्चर हमें आइज के ऊपर देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द कॉन्जुक्टिवा। वो किसका स्ट्रक्चर होगा, कॉन्जुक्टिवा का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज अबाउट द कॉन्जुक्टिवा। सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कॉन्जुक्टिवा का स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद कॉर्निया का स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद वहाँ पे प्यूपिल एक ओपनिंग है। तो प्यूपिल एक्चुअली कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, बट आयरिस के बीच वाला जो गैप होता है ना, दैट इज नोन एज अ प्यूपिल। आयरिस के बीच वाला जो गैप होता है, दैट इज नोन एज अ प्यूपिल। उसके अंदर अगर चले जाए तो लेंस आएगा, और लेंस के अंदर अगर चले जाए यहाँ पे इस कैविटी या चेंबर के अंदर, सो दैट इज नोन एज अ विट्रस कैविटी और विट्रस चेंबर, विच इज हैविंग द विट्रस फ्लूड, जिसके अंदर क्या होगा, विट्रस फ्लूड होगा, विट्रस फ्लूड। हेट्रोपोलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, जो हमारे आई बॉल का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन करके रखता है। और उसके बाद यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक स्टॉक कहेंगे। दिस इज नोन एज अ ऑप्टिक स्टॉक, इसको ही क्या कहेंगे हम, ऑप्टिक स्टॉक कह सकते हैं। यहाँ पे जहाँ से हमें पता है कि किसकी ओर जाता है, ऑप्टिक नर्व, एक सेंसरी नर्व यहाँ से अराइज होती है, दैट इज अबाउट द ऑप्टिक नर्व। कौन सा नर्व अराइज होता है वहाँ पे, ऑप्टिक नर्व, विच इज अ काइंड ऑफ ए सेंसरी नर्व। एक सेंसरी नर्व का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, अराइज होता है, सेंसरी नर्व का स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होता है, जो कल इंफॉर्मेशन को रेटिना से कहाँ पे लेके जाएगा, इन्फॉर्मेशन को रेटिना से ह्यूमन ब्रेन के जो विजुअल सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे उसको लेके जाएगा यह। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जो हमने देखा है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे और एक चेंबर होता है, दैट इज नोन एज अ एंटरी चेंबर। अगर इस चेंबर के बारे में हम बात करेंगे तो दैट इज नोन एज अ एंटीरियर चेंबर होता है। यहाँ पे दो चेंबर हमें देखने को मिलेगा, एक विट्रस चेंबर होता है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है विट्रस चेंबर, यहाँ पे विट्रस फ्लूड होगा। और सबसे आगे वाला जो एंट्री साइड में होता है, आइज के एंट्री साइड में जो एक चेंबर हमें दिखाई देता है, दैट इज अबाउट द एंट्री चेंबर। और एंट्री चेंबर के अंदर जो फ्लूड होता है दोस्तों, दैट इज नोन एज अ एक्वियस फ्लूड, दैट इज नोन एज अ एक्वियस फ्लूड भरा हुआ होता है उसमें। कौन सा फ्लूड, न्यूट्रिशियस फ्लूड होता है, ये एक्वियस फ्लूड होता है वहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर हम निकाल रहे थे यहाँ पे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, किस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं या कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी होता है यहाँ पे। सो आइज के पूरे स्ट्रक्चर हमने बना दिए यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ये पूरा का स्ट्रक्चर अंदर वाला, तो दैट इज अबाउट द लेंस वाला स्ट्रक्चर था। एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, जो लाइट को अंदर की ओर अलाउड करेगा, दैट इज नोन एज अ
लेंस, इसका ही हम इंडक्शन देखने वाले हैं। लेंस का ही इंडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली लेंस का जो फॉर्मेशन होता है तो नर्वस सिस्टम के कौन से जर्माइनल लेयर से होता है, एक्टोडर्म से होता है, ये भी बात आपको समझना है। जर्म लेयर अगर ओरिजिन देखा जाए, जर्म लेयर ओरिजिन, तो किस जर्म लेयर का ओरिजिन होता है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो आइज का फंक्शन क्या होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की ओर मतलब ब्रेन की भेज देना, यही उसका काम होता है। दूसरा काम होता है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी काम होता है, प्यूबर्टी ग्रोथ करने के लिए भी आइज का इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे। तो ये रहा उसके सामने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज अब आयरिस। ये जो लिगामेंट है यहाँ पे, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कह रहे थे। उसके बाद पीछे वाला जो स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा बॉडी वाला स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ सिलियरी बॉडी वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमने देखा है कि स्क्लेरा, रेटिना वगैरह स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ आइज के बारे में। एंटीरियर जो स्ट्रक्चर होते हैं आइज के और पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ऐसा अगर हम एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, तो इस लाइन के आगे वाला एंड पीछे वाला जो पार्ट माना जाएगा, तो अलग अलग पार्ट, इसके पीछे वाले जो स्ट्रक्चर हो गए दोस्तों, तो पोस्टीरियर वाले हो गए, और इसके आगे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, दैट इज अबाउट द एंटीरियर स्ट्रक्चर। इन्हें क्या कहेंगे हम, एंटीरियर स्ट्रक्चर। देखिए, स्क्लेरा जो पार्ट होता है, तो ये पार्ट होता है पोस्टीरियर ऑफ आई, पोस्टीरियर पार्ट में, इसे हम स्क्लेरा कहेंगे। बट स्क्लेरा जब एंटीरियर रीजन में जाएगा आइज के, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरा एंटीरियरली, एंटीरियर रीजन में स्क्लेरा को क्या कहेंगे, एंटीरियर रीजन में स्क्लेरा इज नोन एज अ, स्क्लेरा को ही क्या हम कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, कॉर्निया। स्क्लेरा इज नोन एज अ कॉर्निया, स्क्लेरा को ही क्या कहेंगे हम, कॉर्निया, एंटीरियर रीजन में। सो ये बात ध्यान रखिए थोड़ी सा, स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट होता है आइज का, और एंटीरियर पार्ट में स्क्लेरा को ही हम क्या कहेंगे, स्क्लेरा को ही क्या कहते हैं, कॉर्निया कहता है। वैसे ही एक बात हम किसके बारे में कह सकते हैं, कोरोइड के बारे में। कोरोइड तो ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होगा, कोरोइड पोस्टीरियर वाला स्ट्रक्चर होगा, पर एंटीरियरली कोरोइड को हम क्या कह सकते हैं, कोरोइड को एंटीरियरली क्या कहा जा सकता है, कोरोइड एंटीरियर पार्ट में कौन सा पार्ट बनाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर बना था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये बनाएगा सिलियरी बॉडी को, किसको बनाएगा, ये सिलियरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगा। सिलियरी बॉडी से ही आगे वाले दो स्ट्रक्चर एक्सटेंशन जो होते हैं, एक होता है आयरिस वाला स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट वाला स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पे आपको बात, जो बात समझनी है वो बात ये है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई में कोरोइड को हम कोरोइड ही कहेंगे, बट एंटीरियर पार्ट में कोरोइड को क्या कहेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोइड इज नोन एज सिलियरी बॉडी, और उसके दो एक्सटेंशन जो होते हैं सामने वाले जो दो एक्सटेंशन, उन्हें क्या कह रहे थे हम, उन्हें हम कह रहे थे, एक होगा आयरिस वाला पार्ट और दूसरा पार्ट होगा किसका, सस्पेंसरी लिगामेंट वाला पार्ट। एक होता आयरिस वाला पार्ट और दूसरा होगा सस्पेंसरी लिगामेंट वाला पोर्शन। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो अब अगर हम बात करते हैं रेटिना के बारे में, रेटिना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो रेटिना होते हैं, एक इनर रेटिना वाला स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आउटसाइड वाला रेटिना वाला स्ट्रक्चर। जो इनर रेटिना होता है ना, वो होता है न्यूरोनल रेटिना। वो कौन होता है, न्यूरोनल रेटिना होता है। इनर रेटिना वाला जो पार्ट होता है वो होता है न्यूरोनल रेटिना, और जो आउटसाइड वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है पिगमेंटेड रेटिना। वो कौन होता है, पिगमेंटेड रेटिना वाला पोर्शन। दो पोर्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक न्यूरोनल रेटिना और दूसरा पोर्शन पिगमेंटेड रेटिना के बारे में। न्यूरोनल रेटिना कहाँ का स्ट्रक्चर होगा, अंदर वाला रेटिना होगा, इनसाइड। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर निकाल देते यहाँ पे, तो ये होगा इनसाइड वाला पोर्शन, ये होगा इनसाइड वाला पोर्शन, और जो रेड कलर या पिंक कलर से हमने जो शो किया है पोर्शन, वो होगा आउटसाइड वाला पोर्शन, ये होगा इनसाइड वाला पोर्शन जो हम ग्रीन कलर से यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है कौन, न्यूरोनल रेटिना। ये कौन होगा, न्यूरोनल रेटिना। और जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अबाउट द
पिगमेंटेड रेटिना, दैट इज अबाउट द पिगमेंटेड रेटिना। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है तो पिगमेंटेड रेटिना, और जो अभी निकाला था हमने दैट इज अबाउट द न्यूरोनल रेटिना का स्ट्रक्चर होगा। ये सब बात है। तो इसी आई के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो एनिमल फिजियोलॉजी में भी इसका बहुत सारे डिटेलिंग हम देखने वाले, कौन सा पार्ट क्या काम करता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बट अभी हम डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टिव इनका स्टडी करेंगे। अब हम आएंगे किसके बारे में बात करेंगे, ओनली लेंस के बारे में। हाउ देर इज़ इन अ डेवलपमेंट ऑफ लेंस, लेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो लेंस का डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग को समझने के लिए हमें करना है, एंड दैट सिग्नलिंग इज नोन एज अ इंडक्शन, दैट सिग्नलिंग इज नोन एज अ इंडक्शन या इंडक्टिव सिग्नलिंग के लिए हम मतलब हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दो एक दो कॉन्सेप्ट हो गए, दैट इज नोन एज द, पहला कॉन्सेप्ट होगा आज का इंडक्शन वाला, इंडक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट द कॉम्पिटेंस। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद दैट इज अबाउट द रेसिप्रोकल इंडक्शन, रेसिप्रोकल इंडक्शन, रेसिप्रोकल इंडक्शन, ये तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। पहले इन तीन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। इंडक्शन में भी और दो टाइप आते हैं, परमिसिव इंडक्शन एंड इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। इंडक्शन में भी दो टाइप आते हैं, परमिसिव इंडक्शन एंड दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज अबाउट द इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। ये दो पार्ट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें। नाउ पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द इंडक्शन। मतलब क्या है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, मोड ऑफ सिग्नलिंग में अगर हम बात करेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग में कौन सा सिग्नलिंग का मोड, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है कि जो दो नेबरिंग सेल्स होते हैं ना, एक दूसरे को सिग्नल करता है। मतलब एक सेल सिग्नल रिलीज करती है तो दूसरे सेल के सरफेस के उसका रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर को बाइंड करने के बाद सिग्नल मॉलिक्यूल वो सेल उसको रिएक्शन करती है, दैट इज नथिंग बट रिस्पॉन्स करती है। उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेगा। मतलब यहाँ पे इंडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक ए सेल है, कोई एक ए सेल है, और ये थोड़े से डिस्टेंस वाला कोई दूसरा सेल है जिसे हम बी सेल कहेंगे। सपोज ए सेल एंड बी सेल के अंदर सिग्नलिंग हो रही है। यहाँ पे सिग्नलिंग में क्या हो रहा है कि ए सेल क्या कर रहा है, अपने वेसिकल को एक्सोसाइटोसिस करके यहाँ पे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। कुछ केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, सेल रिलीज कर रहा है। केमिकल सिग्नल को क्या कर रहा है सेल, केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है। कौन सा सेल, ए सेल। तो उसको रिस्पॉन्स करने वाला सेल कौन सा होगा, यहाँ पे बी सेल। उसको रिस्पॉन्स करने वाला सेल कौन सा होगा, बी सेल। और बी सेल के ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होने चाहिए, उस केमिकल के रिसेप्टर होने चाहिए। तो ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है दैट इज अबाउट द इंडक्शन। अगर एक सेल रिस्पॉन्स करने के बाद दूसरा सेल अगर रिस्पॉन्स करता है वहाँ पे, तो दैट इज नोन एज अ इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। और इंडक्शन को समझने के लिए ही हम कौन सा मैकेनिज्म देख रहे हैं, आइलेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इंडक्शन को समझने के लिए। तो ये हो गया इंडक्शन। और इंडक्शन में हम दो बातें कर रहे थे, एक होता है इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन और दूसरा होता है परमिसिव इंडक्शन। एक होगा इंस्ट्रक्टिव और दूसरा होगा परमिसिव इंडक्शन। अब देखिए इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन कब देते हैं। देखिए हमारे माता पिता हो या हमारे गुरु हो या टीचर हो, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं बिफोर द एग्जाम, कुछ हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। या आप COVID-19 के जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो गवर्नमेंट भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि पब्लिक में कैसे आना या नहीं आना या कौन से ठीक है या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब यहाँ पे अगर इंडक्शन का मॉलिक्यूल मतलब केमिकल मॉलिक्यूल अगर सेल को इंस्ट्रक्ट करता हो, तो सच टाइप ऑफ इंडक्शन इज नोन एज अ, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ, या सच टाइप ऑफ इंडक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। मतलब क्या है कि ए सेल का ये केमिकल मॉलिक्यूल बी सेल को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई अब तुझे सिग्नल दिया है ना मैंने, तो आपको इस एक पार्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल हमारे पास दो एक्टोडर्म होते हैं, हमारे पास दो एक्टोडर्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्टोडर्म। इसमें हम एक्टोडर्म
एक न्यूरोनल एक्टोडर्म के बारे में बात करेंगे, न्यूरोनल एक्टोडर्म, और दूसरा होता है नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म। इन दोनों के बारे में समझ लेंगे ताकि हमें क्या समझ में आए, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन समझ में आए। तो क्या होता है कि न्यूरोनल एक्टोडर्म सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा, सिग्नल को रिलीज करेगा, और इस सिग्नल कौन एक्सेप्ट करेगा, नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म एक्सेप्ट करेगा, और नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म यहाँ पे क्या कराएगा, लेंस का फॉर्मेशन कराएगा। किसका फॉर्मेशन कराएगा, लेंस का फॉर्मेशन कराएगा। तो लेंस का फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन का ही ये एग्जाम्पल बनता है। तो मतलब क्या है कि न्यूरोनल एक्टोडर्म में कौन सा पार्ट होगा, फिर ऑप्टिक कप वाला पोर्शन होना चाहिए, ऑप्टिक कप बोलिए या ऑप्टिक वेसिकल कह सकते हो आप, ऑप्टिक वेसिकल। न्यूरोनल एक्टोडर्म में जो पार्ट हम देख रहे थे अभी, दैट इज नोन एज ऑप्टिक वेसिकल। मतलब क्या है कि एक्चुअली ये सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज हो रहा है, ऑप्टिक वेसिकल से रिलीज हो रहा है, और जा कहाँ रहा है, न्यूरोनल एक्टोडर्म के ऊपर जा रहा है, और न्यूरोनल एक्टोडर्म उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, और क्या बना रहा है वहाँ पे, लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मान लो कि हमारे पास नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म है, जिसे ही हम सरफेस एक्टोडर्म भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, सरफेस एक्टोडर्म भी कह सकते हैं। मान लो कि हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म है, बट वहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल या न्यूरोनल एक्टोडर्म नहीं है, इसके एब्सेंट में क्या सरफेस एक्टोडर्म आई लेंस का फॉर्मेशन करेगी, नहीं, कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो आई लेंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या कहेंगे, हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, फिर खामो का हम क्यों कन्वर्ट हो जाए, आई लेंस का क्यों फॉर्मेशन करें। तो बात को समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलना बहुत जरूरी होता है, और इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन होगा वहां पे, ऑप्टिक वेसिकल के सेल्स होंगे, दैट इज द सेल्स ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म। सेल्स ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म के सेल्स होते हैं, वो जो सेल्स इन सेल को रिस्पॉन्स करेंगे नॉन न्यूरोनल एक्टोडर्म को, और वहां पे इंस्ट्रक्शन होगा कि आप क्या करो, लेंस का फॉर्मेशन कर दो अभी। सो दैट इज अबाउट द इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे परमिसिव इंडक्शन क्या होता है। देखिए परमिसिव इंडक्शन क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये कोई आपका एक दोस्त है, ये बंटी आपका दोस्त है, और बंटी आपके घर पे आया है, ये जो आप हो यहाँ पे, ये आप बैठे हुए और बंटी आपके घर आया हो, और आपको बोल रहा है कि चलो ना दोस्त खेलने के लिए जाएंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि बंटी ने आपको सिग्नल दिया और आपके मन में भी खेलने की इच्छा हो रही है अभी। अगर आप खेलने की इच्छा वहां पे प्रकट करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन किसने दिया, बंटी ने दिया, और आप उसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। पर उसके बाद आपके इन्वायरमेंट का भी कोई इंफॉर्मेशन आपको लेना जरूरी होता है, मतलब आपको आपके सराउंडिंग से कुछ चीज़ों का परमिशन लेना होता है। मतलब कि मान लो ये कि आपकी मम्मी जी है, ये कौन है आपके मम्मी जी, और खेलने को जाने के पहले आपको किसका परमिशन लेना होगा, मम्मी का। अगर मम्मी परमिट करती है जा बेटा खेलने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, इसे ही कहेंगे हम परमिसिव इंडक्शन। तो परमिसिव इंडक्शन एंड इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन में एक्चुअली डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन में आपको किसका परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिना मम्मी का परमिशन लेके, दोस्त ने कहा है इसके लिए, मतलब उसके कहने के ऊपर ही आप अगर घर के बाहर चले गए और खेल रहे, और उसने जैसे बोला वैसे ही आप खेल रहे हो, उन्होंने बोला कि आप बॉलिंग करो तो आप बॉलिंग कर रहे हो, छोटे हो ना इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है, बट इंस्ट्रक्शन के पहले अगर आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना होता है, आपके सराउंडिंग से कुछ परमिशन लेनी होती है, कुछ सराउंडिंग के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो इसको परमिट करते हैं कि हाँ अब आप खेल सकते हो, अब आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ इंडक्शन इज नोन एज अ परमिसिव इंडक्शन, जहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत होती है इंडक्शन के लिए, दैट इज नोन एज अ परमिसिव इंडक्शन। और जहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन कहेंगे। ये दो चीज़ें बहुत आसान है और समझना भी उतना जरूरी था दोस्तों। अब हम बात करेंगे, ये हो गया किसके बारे में, इंडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट जो था हमारा इंडक्शन के बाद, जो कॉन्सेप्ट था दैट इज अबाउट कॉम्पिटेंस।
दैट इज अबाउट द कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्पिटेंस क्या होता है कि मान लो कि ए सेल अगर सिग्नल को रिलीज कर रही है और बी सेल उसको अगर रिस्पॉन्स कर रही है, तो रिस्पॉन्स करने वाले सेल को ही क्या कहेंगे, या सेल को रिस्पॉन्स करने के लिए वहां पे कुछ केमिकल होनी चाहिए ना, वहां पे भी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होनी चाहिए। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, कॉम्पिटेंस फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें, कॉम्पिटेंस फैक्टर। मान लो कि जैसे अगर न्यूरोनल एक्टोडर्म यानी ऑप्टिक वेसिकल ने, ऑप्टिक वेसिकल ने सिग्नल दिया है, सिग्नल देने के बाद जो सरफेस एक्टोडर्म था हमारे पास, कौन था, सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म के कुछ सेल्स होते हैं वहां पे, सरफेस एक्टोडर्म के कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होता है पैक्स सिक्स प्रोटीन। अगर ये पैक्स सिक्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं तभी जाके वहां पे क्या होगा, मतलब जो पहले सेल ने सिग्नलिंग दिया था और उसको बी सेल को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, इसके प्रेजेंस में ही रिस्पॉन्स कंप्लीट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नोन एज अ कॉम्पिटेंस फैक्टर। इसको ही हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंस फैक्टर। अगर पैस सिक्स है वहां पे तभी वहां पे क्या होगा, लेंस का फॉर्मेशन होगा। अगर पैक सिक्स नहीं है वहां पे तो लेंस का फॉर्मेशन वहां पे होगा नहीं। ये बात समझ रहे हो आप। तो किसी भी सिग्नल को तो एक कॉम्पिटेंस की जरूरत होती है, किसी भी सिग्नल को किसकी जरूरत होती है, कॉम्पिटेंस की, जो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करे। क्या करे, उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करे। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देता है कौन, कॉम्पिटेंस, तो सिग्नल को या इंडक्टिव सिग्नल को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देने वाले को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉम्पिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, कॉम्पिटेंस कहेंगे। तो ये हो गया किसका बात, कॉम्पिटेंस। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेसिप्रोकल इंडक्शन के बारे में। जैसे हमने इंडक्शन के बारे में बात किया था, अब बात करेंगे हम रेसिप्रोकल इंडक्शन के बारे में। रेसिप्रोकल को समझना उतना कठिन नहीं है। इंडक्शन के अपोजिट अगर काम होता है वहां पे तो दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल इंडक्शन। जैसे कि मान लो कि अभी हमारे पास कुछ ए सेल है, ए सेल ने किसको सिग्नल दिया, बी सेल को सिग्नल दिया, और बी अपना फेट चेंज कर रहा है वहां पे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। वो आपने मतलब क्या कर रहा है वहां पे, खुद को चेंज करके कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है वहां पे, मतलब क्या होगा, वहां पे लेंस का फॉर्मेशन होगा। और जब यहाँ पे लेंस ब्लैकआउट का मतलब लेंस का स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, लेंस वेसिकल किसको सिग्नल करेंगे, फिर जो पहले जो सेल सिग्नल दे रही थी उसको फिर से सिग्नल कहाँ से आया, बी सेल से। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट सिग्नल होता है तो इसको हम इंडक्शन कहेंगे, और जो सेल इंडक्शन का सिग्नल ले रही थी अगर वो सेल अभी जो पहली सेल जो सिग्नल दे रही थी उसको ही अगर रिप्लाई में सिग्नल कर रही है तो दैट इज नोन एज अ रेसिप्रोकल इंडक्शन, दैट इज नोन एज अ रेसिप्रोकल इंडक्शन, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल इंडक्शन। रेसिप्रोकल इंडक्शन कब काम में आता है दोस्तों, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। दो चीजें यहां पे, पहले इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऑप्टिक ऑप्टिक वेसिकल ने सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल दिया, सरफेस एक्टोडर्म। जैसे कि ऑप्टिक वेसिकल को क्या मानेंगे हम, ए सेल मानेंगे, और सरफेस एक्टोडर्म की जो सेल होती है उन्हें क्या मानेंगे, बी सेल। तो उसके बाद क्या हुआ कि सरफेस एक्टोडर्म ने एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लेंस। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम क्या होगा, लेंस। अब क्या करना है कि लेंस यहां से सिग्नल करेगा, लेंस यहां से सिग्नल करेगा किसको, ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल करेगा। और यहां पे ऑप्टिक वेसिकल इसके सिग्नल को रिस्पॉन्स करना होगा ना, क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल ने जो सिग्नल भेजा था सरफेस एक्टोडर्म में, रिस्पॉन्स में किसका फॉर्मेशन हुआ, लेंस का। अब जब लेंस क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, कोई एक सिग्नल भेजेगा तो ऑप्टिक वेसिकल को भी उसका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना। अगर यहां पे रिस्पॉन्स होता है और किसका फॉर्मेशन होगा, रेटिना का डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, रेटिना। इनर पार्ट कन्वर्ट होगा न्यूरोनल रेटिना में, और आउटर जो पार्ट होता है ना वहां पे, अगर वो पार्ट कन्वर्ट होता है पिगमेंटेड रेटिना में, तो ये सिग्नलिंग करने वाला कौन था, लेंस था। ये कौन से टिश्यू थे, लेंस, जो कहां से आए हैं, सरफेस एक्टोडर्म से। और सरफेस एक्टोडर्म को पहले सिग्नल कौन कर रहा था, ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म यानी कि लेंस किसको सिग्नल करेगा, ऑप्टिक वेसिकल को। तो ये दूसरा जो सिग्नल होता है दैट इज नोन एज अ रेसिप्रोकल इंडक्शन, दैट इज नोन एज अ रेसिप्रोकल इंडक्शन। बहुत सिंपल सी बात है दोस्त। अगर आपको कुछ डाउट आता है समझने में
तो आप वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, और अगर फिर से कोई डाउट आता हो समझने में ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर दोस्तों पहली बार हमारा आप चैनल देख रहे हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हमने बात किया तीन चीजों के बारे में, एक इंडक्शन, दूसरा किसके बारे में बात किया, कॉम्पिटेंस, और तीसरा रेसिप्रोकल इंडक्शन। तीसरा बात जो किया हमने दैट इज अबाउट द रेसिप्रोकल इंडक्शन। उसके बाद आइए चलते हैं अब इंडक्शन का प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आइलेंस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइलेंस का डेवलपमेंट, लेंस का एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेंस का डेवलपमेंट। तो दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि लेंस का जो डेवलपमेंट होता है तो हमारे कौन से जर्म लेयर से होगा, एक्टोडर्म से होता है। कहाँ से होगा, ये एक्टोडर्म ओरिजिन होता है, ये एक्टोडर्म, क्योंकि हम तो ये बात कह सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम ही होता है ना तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। और ये भी कहाँ पे है, हमारे बॉडी के एंट्री रीजन में या आपके ये वेंट्रल साइड में, कौन से साइड में, बॉडी के वेंट्रल साइड में हमारे जो दो आईज होते हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में बात करें, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके, तो बॉडी के अंदर आईज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, अगर ह्यूमन के अगर बारे में हम बात करेंगे, ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करते तो आईज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आईज के अंदर मतलब आईबॉल, उसको एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द लेंस, तो ये कहाँ पे हो गया, वेंट्रल एक्सिस पे हो गया। कहाँ पे होंगे, वेंट्रल एक्सिस, बॉडी का जो वेंट्रल एक्सिस होता है तो वहाँ पे ये प्रेजेंट है दोस्तों। उसके बाद लेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये ट्रांसपेरेंट लेंस, ट्रांसपेरेंट भी होता है और अवैस्कुलर भी होता है, अवैस्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है। मतलब एक बार अगर लेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, एक बार अगर कंप्लीट लेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए देयर विल बी नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, वहां पे ब्लड का सप्लाई होता नहीं है, नो ब्लड सप्लाई टू द लेंस, वहां पे लेंस को ब्लड का सप्लाई होता नहीं है। बट कब हम कह रहे, आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन या मैच्योरेशन, बट बिफोर मैच्योरेशन वहां पे ब्लड का सप्लाई होता है दोस्तों। प्री मैच्योर कंडीशन में हम कहेंगे प्री मैच्योर या प्रिजम्प्टिव लेंस कहिए, प्री मैच्योर लेंस हैविंग ब्लड सप्लाई, हैविंग ब्लड सप्लाई, प्री मैच्योर लेंस के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, बट आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ लेंस देयर विल बी नो ब्लड सप्लाई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीमेच्योर कंडीशन में या प्रिजम्प्टिव लेंस के अंदर, जो स्ट्रक्चर होगा उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, एक आर्टरी होती है जिसका नाम है हाइलोइड आर्टरी, हाइलोइड आर्टरी, इसको याद रखिए, देयर इज एन आर्टरी इज नोन एज अ हाइलोइड आर्टरी। ओके, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ट्रांसपेरेंट लेंस होगा, दूसरी बात अवैस्कुलर होता है लेंस, लाइट को अलाउड करता है और लाइट को कहाँ पे इंसिडेंट होने के लिए मदद करेगा, रेटिना के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करने के लिए मदद करेगा। तो ये कुछ बातें हो गई, जस्ट एक दो बातें लेंस के बारे में। लेंस को जो सपोर्ट होता है ना दोस्तों, मतलब लेंस का जो दो शेप होता है, शेप चेंज कर देता है, मतलब डायनामिक स्ट्रक्चर होगा लेंस, शेप चेंज करता है ये, इसका मतलब क्या है कि ये डायनामिक स्ट्रक्चर होता है, जो चीजें बदल सकती है उन्हें हम क्या कहेंगे, डायनामिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लेंस का दो शेप हो सकता है दोस्तों, एक ओवल शेप और दूसरा होता है फ्लैट शेप। लेंस दो शेप में हमें देखने को मिलता है। अगर किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को हमें व्यू करना है, क्लोज ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट को अगर व्यू करना है तो हमें क्या करना होगा, ओवल लेंस का शेप, मतलब लेंस का शेप कैसे होगा, ओवल, क्लोज ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए, क्लोज ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए लेंस का शेप कैसे होता है, ओवल शेप। और अगर हमें दूर की चीजें देखनी है, दूर वाली चीजें, अगर कोई चीज फार डिस्टेंस पे है,
फार डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अगर हमें व्यू करना है तो हमारे लेंस का शेप का क्या होगा, फ्लैट शेप होगा। मान लो कि जैसे कि ये देखिए, अगर इसको हम मान लेंगे कि ओवल शेप है और इसको क्या मानेंगे हम, फ्लैट शेप, इसको क्या मानेंगे हम, फ्लैट शेप। तो ये इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होता है लेंस का, ये कैसा होता है, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है वहां पे, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सिलियरी बॉडी। सो शेप ऑफ डायनामिक शेप ऑफ लेंस, डायनामिक शेप ऑफ लेंस इज मेंटेन बाय सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दोनों चीजें लेंस का शेप मेंटेन करेंगे यहां पर। तो हम बात कर रहे थे लेंस के कुछ जनरल चीजों के बारे में, तो लेंस क्या होता है, कैसे होता है, इन सबके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि लेंस का एक्चुअल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ लेंस तो हमें पता है कहां से होगा शुरू, डायनसेफेलॉन से। कहां से, डायनसेफेलॉन विच इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होगा फोर ब्रेन, यानी कि प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन का ये पार्ट होता है, वहां से उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना शुरू होता है। किसका, लेंस का। लेंस का जो डेवलपमेंट शुरू होता है तो कहां से, डायनसेफेलॉन से। तो आगे बात करेंगे हम, देखिए स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे हम यहां पे। मान लीजिएगा कि दोस्तों ये किसका स्ट्रक्चर है, सरफेस एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। कौन है ये, सरफेस एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है, सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म के सेल्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, लेयर ऑफ सरफेस एक्टोडर्म। और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द न्यूरोनल एक्टोडर्म, दैट इज अबाउट द न्यूरोनल एक्टोडर्म। अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज अबाउट द न्यूरोनल एक्टोडर्म। ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, That is about the neuronal ectoderm. मान लीजिएगा ये जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। That structure is about the neuronal ectoderm. तो lens का formation कहाँ से होगा, surface ectoderm से होगा या neuronal ectoderm से होगा। तो lens का formation जो होता है तो surface ectoderm से होता है। मान लीजिएगा कि this is the structure of surface ectoderm, surface ectoderm का structure है ये, और अंदर वाला जो structure था That is about the neuronal ectoderm. Neuronal ectoderm. तो surface ectoderm से कौन बनेगा, lens बनेगा। किसका formation होगा, lens। और neuronal ectoderm से क्या formation होगा, optic vesicle का formation होगा। किसका formation होगा दोस्तों, optic vesicle। फिर आगे जाके ये डिफरेंशिएट होगा रेटिना के अंदर, न्यूरोनल एंड पिगमेंटेड रेटिना, न्यूरोनल एंड पिगमेंटेड रेटिना।
आगे जाके ये क्या बनाएगा, पिगमेंटेड एंड न्यूरोनल रेटिना का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली पहला प्रोसेस होता है इवेजिनेशन। पहला प्रोसेस क्या होता है, इवेजिनेशन। इवेजिनेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म, न्यूरोनल एक्टोडर्म। इसका मतलब क्या है कि ये अंदर वाला जो न्यूरोनल एक्टोडर्म होता है वो भी ऐसा सीधा सीधा होता है पहले, तो उसके बाद वो थोड़ा सा अगर आउटग्रो करता है बाहर की ओर, अगर आउटग्रो करता है तो अगर मान लो कि यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बाहर जा रहा है, यहाँ से ऐसा कुछ बाहर जा रहा है, सो सच अ प्रोसेस इज नोन एज अ, इसको हम क्या कहेंगे, इवेजिनेशन। इसको ही क्या कहेंगे, इवेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म। इसको ही क्या कहेंगे हम, इवेजिनेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म। तो पहले ऐसा प्रोसेस होगा वहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहे थे ना यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे थे तो ये इवेजिनेशन से स्ट्रक्चर बनते हैं। शुरुआत में होता है वहाँ पे इवेजिनेशन, तो कुछ पार्ट बाहर की ओर भी जा रहा है ऐसा, सो ड्यू टू द इवेजिनेशन न्यूरोनल एक्टोडर्म का हम इवेजिनेशन बता रहे थे। उसके बाद सरफेस एक्टोडर्म के ऊपर क्या होगा, ये हो गया न्यूरल एक्टोडर्म। दूसरी बात हम बात करेंगे सरफेस एक्टोडर्म के ऊपर क्या होगा, सरफेस एक्टोडर्म इनवेजिनेट होता है, ये होगा इनवेजिनेट। इवेजिनेट का मतलब होगा बाहर की ओर और इनवेजिनेट का मतलब होगा अंदर की ओर, इनवेजिनेशन होगा उसका। मतलब ये जो पार्ट सीधा सीधा था अब क्या हो गया, अंदर चला गया। दोनों ही डायरेक्शन से होता है, हम एक साइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों भी बायलैटरल साइड से होता है, तो यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी बायलैटरल साइड में ये हो रहा है ऐसा, बायलैटरल साइड, और ये भी कहाँ पे हो रहा है, दोनों साइड में हो रहा है, बायलैटरल साइड में जा रहा है इसका लैटरल, और दो पोजिशन पर हो रहा है, इसका मतलब ये बायलैटरली हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो पहला प्रोसेस होगा इवेजिनेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म, और दूसरी बात वहाँ पे पैरेलली क्या हो रही है, सरफेस एक्टोडर्म का इन्वेजिनेशन हो रहा है, सरफेस एक्टोडर्म का इन्वेजिनेशन। उसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जिसका इवेजिनेशन हो रहा था पहले बाहर जाके, फिर क्या होगा वहाँ पे, इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाएगा उसका, इन्वेजिनेशन। कुछ पार्ट जो होगा ना, सम पार्ट ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म, सम पार्ट ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म क्या होगा वहाँ पे, इन्वेजिनेट होगा। मतलब जो पार्ट बाहर चला गया था तो थोड़े से, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा पार्ट क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट क्या हो रहा है, थोड़ा अंदर की ओर आ रहा है, सो दैट इज नोन एज इन्वेजिनेशन। सो दैट इज नोन एज इन्वेजिनेशन, किसका, न्यूरोनल एक्टोडर्म का इन्वेजिनेशन हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसी पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा एक्सरसाइज करके इधर की ओर निकाल देते हैं तो हमें समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करके उसको निकालने की कोशिश करें। मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अबाउट द सरफेस, नहीं न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है, मान लो स्ट्रक्चर किसका है, न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है, न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दैट इज नोन एज अ ऑप्टिक वेसिकल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ऑप्टिक वेसिकल। और उसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था हमारे पास ऐसा, उसके कांटेक्ट में जो स्ट्रक्चर था हमारे पास दैट इज नोन एज
सरफेस एक्टोडर्म, इसको ही क्या समझेंगे हम, सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म। अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे इंडक्शन होना शुरू होता है, ऑप्टिक वेसिकल के लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वहां पे, ये सेल्स क्या करेंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल को यहाँ से रिलीज करेंगे, और सिग्नल जा किसको रहा है, सम पार्ट ऑफ, पूरा का पूरा पार्ट नहीं, सरफेस एक्टोडर्म का कुछ पार्ट, यहाँ पे हम मानेंगे कि इस पार्ट को सिग्नल जा रहा है। सिग्नल जाने के बाद वहां पे क्या होगा, तो इस पार्ट के अंदर, सरफेस एक्टोडर्म के पार्ट के अंदर थिकनेस होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिकनेस बनना शुरू हो जाएगा, और थिकन पार्ट ऑफ सरफेस एक्टोडर्म दैट इज नोन एज अ लेंस प्लैकोड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ लेंस प्लैकोड स्ट्रक्चर। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, अभी लेंस प्लैकोड का फॉर्मेशन हो गया। ये पार्ट जो इवेजिनेट था, अब क्या होगा, थोड़ा सा इनवेजिनेट होना शुरू कर दिया, तो बार वाला जो स्ट्रक्चर था वो अंदर की ओर आ रहा है ऐसा थोड़ा सा, और आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एक्टोडर्म के कुछ सेल्स है वहां पे थोड़ा सा बल्जिंगनेस आपको देखने को मिलेगा वहां। सो दिस पार्ट इज नोन एज, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, लेंस प्लैकोड स्ट्रक्चर, उसको ही क्या कहेंगे हम, लेंस प्लैकोड वाला स्ट्रक्चर। ये था पार्ट न्यूरोनल एक्टोडर्म, न्यूरोनल एक्टोडर्म, और ये था पार्ट लेंस प्लैकोड। ये पार्ट कौन सा था, लेंस प्लैकोड वाला। लेंस प्लैकोड को कैसे समझोगे आप, थिकनेस से। उसके बाद हमें और कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब जो सरफेस एक्टोडर्म था, सरफेस एक्टोडर्म एंड न्यूरोनल एक्टोडर्म, यहाँ पे थोड़ी सी और क्या होती है, इनवेजिनेशन होना दिखाई देगा। दोनों के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलेगा, इनवेजिनेशन। दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इनवेजिनेशन देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है ना, दैट इज नोन एज ऑप्टिक स्टॉक, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑप्टिक स्टॉक। आगे भी हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये बात देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब दो लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वाला जो लेयर है कौन सा, ऑप्टिक वेसिकल का। अब यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, सो इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन कहेंगे, ऑप्टिक कप कहेंगे। क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप को दो लेयर हो गए वहाँ पे, ऑप्टिक कप के कितने लेयर हो गए, दो। एक होगा इनसाइड वाला लेयर और दूसरा होगा आउटसाइड वाला लेयर, आउटसाइड वाला लेयर होगा। दो लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक होगा इनसाइड लेयर और दूसरा होगा आउटसाइड लेयर। जो इनसाइड वाला जो लेयर होता है ना, मान लो कि ये वाला लेयर है इनसाइड लेयर ऑप्टिक कप का, और मान लो कि ये जो लेयर है दैट इज अबाउट द आउटसाइड लेयर, आउटर लेयर। इनसाइड लेयर किसको फॉर्म करेगा, रेटिना को फॉर्म करेगा, और आउटसाइड लेयर भी किसको फॉर्म करेगा, रेटिना को ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के रेटिना आ सकते हैं। इनसाइड लेयर से कौन बनेगा वहाँ पे, रेसिप्रोकल इंडक्शन में हमने कहा था कौन बनेगा, न्यूरोनल रेटिना बनेगा। कौन बनेगा वहाँ पे, न्यूरोनल रेटिना का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आउटसाइड का जो लेयर होता है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, आउटसाइड का लेयर जो होता है ना वो फॉर्म करेगा पिगमेंटेड रेटिना को। किसको फॉर्म करेगा, वो पिगमेंटेड रेटिना को फॉर्म करेगा। ये हो गया इसके बारे में। तो जो बाहर से स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिल रहा था, अब उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें। ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ,
सरफेस एक्टोडर्म इनवेजिनेट हो चुका है बहुत सारा अंदर, सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म को भी यहां पे दो लेयर होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि सीधे सीधे लेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये पार्ट यहां से कट होगा, ये पार्ट यहां से कट होगा और पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा वहां पे अंदर आएगा, तो ऑप्टिक वेसिकल के अंदर किसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वहां पे, दैट इज अबाउट द रेटिना का, किसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वहां पे, रेटिना का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसके आगे वाले डायग्राम में हमें देखने को मिलेगा कि मान लो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा था तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे दो रीजन आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम को हमने ऐसे ही बनाया है ताकि आपको समझ में आए। तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, लेंस के बारे में, लेंस। तो लेंस में दो रीजन हमें देखने को मिलेंगे, तो यहां पे होगा तो एंट्री रीजन, अगर डायग्राम को हम ऐसा निकाल देते रिवर्स करके तो ये कौन सा पार्ट होगा हमारा, एंट्री पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, एंटीरियर रीजन, और ये जो पार्ट होगा वहां पे समझ लीजिए पोस्टीरियर पार्ट होगा यहाँ पे, ये कौन सा होगा, पोस्टीरियर। अगर इसे डायग्राम को हम इनवर्स निकाल देते हैं यहाँ पे, मान लो कि ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम ऐसा, तो ये सामने वाला जो पोर्शन होता है, सामने वाला पोर्शन कौन सा होगा, एंटीरियर होगा, और ये पीछे वाला जो एक्सटेंडेड पोर्शन आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज अबाउट द पोस्टीरियर। सो इसके हिसाब से अगर निकाल लें तो ये एंटीरियर पार्ट, और इसके हिसाब से निकाला जाए तो ये कौन होगा, पोस्टीरियर पार्ट। पर डायग्राम को हमने थोड़ा सा क्या निकाल दिया वहाँ पे, थोड़ा सा इनवर्स निकाल दिया। अगर ये डायग्राम ऐसा होता तो ये पार्ट कौन होता, एंटीरियर, और ये पार्ट कौन होता, पोस्टीरियर। तो इसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप अगर समझ गए हो तो ऊपर वाला ही डायग्राम हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, लेंस को ही थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आइसोलेट करके ही समझने की कोशिश करेंगे, लेंस को आइसोलेट ही कर देंगे। मान लीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर अभी हम निकाल रहे हैं किसका स्ट्रक्चर है, लेंस का स्ट्रक्चर है। तो लेंस का ये वाला जो स्ट्रक्चर था एंटीरियर स्ट्रक्चर था, और पिछला वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको दैट इज अबाउट द पोस्टीरियर, दैट इज अबाउट द पोस्टीरियर। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है ना, यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में जो सेल्स आपको देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं सीधा एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो हमें पता चल रहा है कि आगे वाला जो पोर्शन है एंटीरियर साइड है, और पीछे वाला जो पोर्शन होगा दैट इज अबाउट द पोस्टीरियर साइड होगा, ये कौन सा साइड होगा, पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियर साइड के जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो थोड़े से इलोंगेटेड सेल्स होंगे, पोस्टीरियर साइड के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे होंगे, इलोंगेटेड सेल्स। पोस्टीरियर साइड के जो सेल्स होंगे दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स, कौन से टाइप के सेल्स होंगे, इलोंगेटेड सेल्स। और एंटीरियर रीजन में जो सेल्स हैं तो वो अपने इलोंगेटेड सेल्स नहीं है, वो नॉर्मली क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलेंगे आपको, कौन से, क्यूबॉइडल सेल्स। कौन से सेल देखने को मिलेंगे आपको, क्यूबॉइडल, एक हो गए क्यूबॉइडल सेल्स और दूसरे हो गए थोड़ा सा इलोंगेटेड। तो ये बात आपको समझनी है कि ड्यूरिंग द लेंस फॉर्मेशन एंटीरियर पार्ट के जो सेल्स होते हैं ना वो अपना स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं करेंगे, बट पीछे वाले जो सेल्स होते हैं वहाँ पे मतलब पोस्टीरियर रीजन में वो क्या करते हैं, इलोंगेशन शो करते हैं, उसके बाद
वहां पे लेंस फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। किसका फॉर्मेशन? खुद को ज्यादा इलोंगेट करते या स्ट्रेच करते और उसके बाद वहां पे प्राइमरी लेंस फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। प्राइमरी लेंस फॉर्मेशन फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जब क्यूबॉइडल सेल्स, कौन से सेल? क्यूबॉइडल सेल्स अगर थोड़ा सा इलिप्टिकल पार्ट में जाते हैं या इलिप्टिकल पोर्शन में जाते हैं, इलिप्सॉइडल सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, फाइबर का फॉर्मेशन होगा। सेल्स बहुत इलोंगेटेड हो चुके हैं, तो ये जो फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर कई सेल ऑर्गेनेल होते नहीं है। मतलब क्या है, पहले सेल ऑर्गेनेल थे वहां पे पर अब नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल सेल लॉस कर चुका है। जब सेल ऑर्गेनेल सेल लॉस करता है तो आपने क्यूबॉइडल फॉर्म में कौन से फॉर्म में आएगा, फाइबरस फॉर्म में आ रहा है, यानी कौन से फॉर्म में आ रहा है, फाइबरस फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है सेल विल लॉस या लूज, किसको लूज कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स को लूज कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स को लूज कर रहा है। सेल ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस, यहां से न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी गायब हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी गायब हो जाएगा, और बहुत सारे सेल क्या मतलब सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गया, वहां से लॉस हो जाएंगे। ये कहां पे हो रहा है, ये पूरा का पूरा कहां पे हो रहा है, पोस्टीरियर साइड पे हो रहा है। लेंस के जो जो सेल्स थे वहां पे, तो पोस्टीरियर रीजन के जो सेल्स है वहां पे इलोंगेशन हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा वहां पे, ये पार्ट प्राइमरी लेंस फाइबर में कन्वर्ट होगा, और प्राइमरी लेंस फाइबर में सेल ऑर्गेनेल्स होती नहीं। इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हो सकती है, प्राइमरी लेंस फाइबर को ब्लड वेसल्स का क्या होता है, वहां पे कनेक्शन होता है, दिस इज द ब्लड वेसल। हमने कहा था कि अर्ली कंडीशन में लेंस को क्या होता है, ब्लड वेसल का कनेक्शन होता है, और जो ब्लड वेसल होता है तो कौन सा होता है, हाइलोइड आर्टरी होता है। ये कौन सा आर्टरी होता है, हाइलोइड आर्टरी। दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, लेंस के दो फॉर्म हमने देखे वहां पे सेल्स के, एक एंटीरियर रीजन में है और दूसरा पोस्टीरियर रीजन है। एंटीरियर के रीजन के सेल्स में शुरुआती में कोई चेंज आता नहीं, वो अपना नेटिव फॉर्म मेंटेन करके रहते हैं, बट पोस्टीरियर रीजन वाले जो सेल्स होते हैं ना, वो अपने ठीक है नॉर्मल क्यूबॉइडल फॉर्म से एक फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही करने की हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर। उसके बाद एंटीरियर रीजन वाले जो सेल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो चुका है, लेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। लेंस के फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर पीछे था सरफेस एक्टोडर्म का, कौन सा, सरफेस एक्टोडर्म का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा बाकी होगा। लेंस तो बन गया, लेंस बनने के बाद सरफेस एक्टोडर्म का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बाकी होता है, और ये सरफेस एक्टोडर्म का जो स्ट्रक्चर है ना, तो क्या बनाएगा यह आगे जाके भविष्य में किसका फॉर्मेशन करेगा, यह फॉर्मेशन करता है कॉर्निया का। किसका फॉर्मेशन करेगा, यह कॉर्निया का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सरफेस एक्टोडर्म जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पे एक्टोडर्म के, तो प्रिज्मटिव कॉर्निया का फॉर्म, मतलब यह होता है प्रिज्मटिव कॉर्निया, मतलब भविष्य में इसको क्या होगा, सिग्नल देगा। कौन सा सेल देगा, ये सेल देगा, यहाँ पे लेंस के ही सेल क्या करेंगे, या लेंस प्लैकोड के सेल कहेंगे, या लेंस के सेल किसको सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल दे रहे हैं, किसके फॉर्मेशन के लिए, कॉर्निया के फॉर्मेशन के लिए उसको सिग्नल करेंगे। अब बात आएगी कि आईज में आयरिस का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, आयरिस सस्पेंसरी लिगामेंट या सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, सिलियरी बॉडी का, आयरिस एंड सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो ये होता है डिस्टल एंड ऑफ ऑप्टिक कप। ये कहाँ से होगा, डिस्टल एंड ऑफ ऑप्टिक कप, ऑप्टिक वेसिकल से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ऑप्टिक कप बन रहा था, ऑप्टिक कप के ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे,
मान लो कि ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये कौन सा एंड है, डिस्टल एंड है। सो डिस्टल एंड से किसका फॉर्मेशन होगा, डिस्टल एंड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिलेरी बॉडी एंड आयरिस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि वहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट भी यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो कॉर्निया का भी स्ट्रक्चर बन रहा है, लेंस का भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दो तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि फॉर्म हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले मतलब बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जब न्यूरोनल एक्टोडर्म के सेल्स, किसके सेल्स, न्यूरोनल एक्टोडर्म के सेल्स सिग्नल को रिलीज कर रहे थे और सरफेस एक्टोडर्म के सेल्स उस सिग्नल को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा था, सरफेस एक्टोडर्म से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, फिर लेंस का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा था वहां पे, मतलब एक केमिकल बनता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है, पैक्स सिक्स होता है, उसका ही नाम क्या होगा, पैक्स सिक्स। एक्चुअली पैक्स सिक्स किसका होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न्यूरोनल एक्टोडर्म का होता है या सरफेस एक्टोडर्म का होता है, न्यूरोनल का होता है, सरफेस एक्टोडर्म का होता है, ये होता है सरफेस एक्टोडर्म का। और सरफेस एक्टोडर्म को ये क्या कराएगा, लेंस के फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के लिए मदद करेगा। तो पैक्स सिक्स का वहां पे होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये बातें हो गई थोड़ी सी लेंस के बारे में। अब फिर से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अब हम बात करेंगे अगर सरफेस एक्टोडर्मल सेल जो रिस्पॉन्स कर रही है, सरफेस एक्टोडर्मल सेल जो रिस्पॉन्स कर रही है किसके सिग्नल को, न्यूरोनल एक्टोडर्म के सिग्नल को रिस्पॉन्स कर रही है, अगर वहां से हम पैक्स सिक्स को म्यूटेट करते हैं, माइनस कर देते हैं या म्यूटेट करते हैं, तो क्या वहां पे आइलेंस का फॉर्मेशन होगा, नहीं, देर विल बी नो आइलेंस फॉर्मेशन। तो इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को हम यहाँ पे लेकर बात करेंगे और उसके कंक्लूजन भी हम साथ ही साथ बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। मान लो कि दोस्तों ये जो पार्ट था हमारा सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट था और उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था दैट इज अबाउट ओके तो हम बात कर रहे थे सरफेस एक्टोडर्म के बारे में, न्यूरोनल एक्टोडर्म के बारे में, सरफेस एंड न्यूरोनल एक्टोडर्म के बारे में बात कर रहे थे। कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ये था सरफेस एक्टोडर्म और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था दैट इज अबाउट द न्यूरोनल एक्टोडर्म, दैट इज अबाउट द न्यूरोनल एक्टोडर्म। कुछ कंडीशंस है उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाए। चाहो तो आप यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म का इन्वेजिनेशन भी शो कर सकते हो। सरफेस एक्टोडर्म का हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन्वेजिनेशन शो करेंगे थोड़ा सा पार्ट, मतलब यहाँ पे लेंस पीट का फॉर्मेशन शो करेंगे। किसका फॉर्मेशन, इसको ही हम लेंस पीट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, लेंस पिट का फॉर्मेशन, इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं लेंस पिट। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को जो न्यूरोनल एक्टोडर्म के ऊपर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिक पिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसको, ऑप्टिक पिट, इसको ही क्या कह सकते हैं, ऑप्टिक पिट। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो दोस्तों न्यूरोनल एक्टोडर्म से, पहली कंडीशन, अगर हम न्यूरोनल एक्टोडर्म से कुछ पार्ट हटा देते हैं इस रीजन में,
इस रीजन वाला कुछ पार्ट हटा देते हैं यहाँ से। मान लो कि इस पार्ट को यहाँ से हमने हटा दिया, तो उस पार्ट को हटाने के बाद देखिए कंडीशन क्या है कि न्यूरोनल एक्टोडर्म को ही हमने क्या किया है, सिर्फ कट किया है, बट सरफेस एक्टोडर्म नॉर्मल है। सरफेस एक्टोडर्म कैसा है? नॉर्मल है। सरफेस एक्टोडर्म कैसा है? नॉर्मल है। तो क्या यहाँ पे आइलैंड्स का फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो रिजल्ट क्या आएगा? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, नो आइलैंड्स फॉर्मेशन। क्यों? अब इस कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरोनल एक्टोडर्म नहीं है, सिर्फ ओनली कौन है? सरफेस एक्टोडर्म है। तो सरफेस एक्टोडर्म क्या ओनली लेंस का फॉर्मेशन कराएगा? नहीं, क्योंकि इसको इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत होती है, बिकॉज इट नीड्स इंडक्टिव सिग्नल। अगर इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत होती नहीं तो वहां पे न्यूरोनल एक्टोडर्म की भी जरूरत नहीं होती। सरफेस एक्टोडर्म क्या कर सकता था? तो खुद का स्ट्रक्चर बनाता था, लेंस का फॉर्मेशन कर रहा था। बट यहाँ पे अगर लेंस का फॉर्मेशन होता नहीं है न्यूरोनल एक्टोडर्म को कट करने के बाद वहां पे, इसका मतलब क्या है कि न्यूरोनल एक्टोडर्म की किसको सिग्नल दे रहा है? सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल दे रहा है। सेकंड कंडीशन, अगर यहां से न्यूरोनल एक्टोडर्म को हम कट करके सरफेस एक्टोडर्म के दूसरे किसी पार्ट में क्या करेंगे? उसको इंजेक्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में उसको क्या करेंगे? हम इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट नहीं, उसको रख देंगे, इंजेक्शन नहीं करना होता। ये किसका पार्ट है? न्यूरोनल एक्टोडर्म का। और ये पार्ट किसका है? सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट है। बट न्यूरोनल एक्टोडर्म आपने ओरिजिनल पोजीशन से अलग पोजीशन पे हमने रख दिया है, तो क्या यहाँ पे ये पार्ट सरफेस एक्टोडर्म का लेंस का फॉर्मेशन करा सकता है? क्या यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन होगा? यस और नो? यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो लेंस फॉर्मेशन। क्यों? कंक्लूजन एक ही आ रहा है, पूरा का पूरा सरफेस एक्टोडर्म लेंस का फॉर्मेशन नहीं कराता है। अगर पूरा का पूरा सरफेस एक्टोडर्म लेंस का फॉर्मेशन कर सकता था, तब हम अगर न्यूरोनल एक्टोडर्म को कहां पे भी अगर उसके साथ जोड़ दे, किसके साथ? सरफेस एक्टोडर्म के पास उसको अगर रखते तो वहां से क्या हो सकता था? लेंस का फॉर्मेशन होता था। बट अगर यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ इसी पार्ट में अगर लेंस का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है? सो दिस इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म विच कैन इंड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म। न्यूरोनल एक्टोडर्म के एक्टिविटीज वो इंड्यूस हो सकता है और उससे रिस्पॉन्स भी कर सकता है। उसका मतलब क्या है? अगर अदर पार्ट में नहीं करता है, इसका मतलब यही हो रहा है, ऑल पार्ट ऑफ न्यूरोनल एक्टोडर्म डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू फॉर्म द लेंस। ऑल पार्ट ऑफ और एंटायर पार्ट कहिए, एंटायर पार्ट ऑफ सरफेस एक्टोडर्म डू नॉट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लेंस। ये कंक्लूजन है इसके एक्सपेरिमेंट का। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस एक्टोडर्म जितना जरूरी है उतना जरूरी कौन है? न्यूरोनल एक्टोडर्म भी जरूरी है उसी रीजन में। सो इसका मतलब यह हो सकता है कि इस रीजन में अगर आइलैंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसके होने के बावजूद? न्यूरोनल एक्टोडर्म के होने के बावजूद भी यहाँ पे सिग्नलिंग नहीं हो रहा है या आइलैंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सरफेस एक्टोडर्म के जो सेल्स है ना, वहां पे किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? पैक्स सिक्स का नो फॉर्मेशन, वहां पे पैक्स सिक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैक्स सिक्स का वहां पे बनना सरफेस एक्टोडर्म में रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके फॉर्मेशन के लिए? लेंस के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हमने इन सेल्स के अंदर, मतलब इसके बजाय ए रीजन के बजाय बी रीजन के अंदर, इस सेल्स के ऊपर अगर हम पैक सिक्स का फॉर्मेशन कराते हैं और यहाँ पे न्यूरोनल एक्टोडर्म को रखते हैं, तो क्या यहाँ से आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है?
सेकंड कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा है यस हियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आई लेंस। सेकंड कंडीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आई लेंस के फॉर्मेशन हो सकता है। तो आई लेंस के फॉर्मेशन के लिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो चीज़ें बहुत जरूरी है। एक चीज जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोनल एक्टोडर्म होना, न्यूरोनल एक्टोडर्म, और वहाँ पे दूसरा सरफेस एक्टोडर्म विथ, सरफेस एक्टोडर्म विथ पैक्स सिक्स, इन दोनों का होना उतना ही जरूरी होता है। सरफेस एक्टोडर्म विद द पैक्स सिक्स अगर होता है तो वहां पे क्या होगा, लेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये दो तीन चीजें हैं दोस्तों तो जिनके बारे में हमें समझना जरूरी था। तो एक दो मतलब ऐसे कंडीशन हमने देख लिया, अब जाके एक थोड़ा सा बात करेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे लेंगे ऑप्टिक वेसिकल को, यहां पे लेंगे सरफेस एक्टोडर्म और यहां पे समझते हैं तीसरे कंडीशन में लेंस का फॉर्मेशन। यहां पे तीसरे कंडीशन में समझेंगे लेंस का फॉर्मेशन होता या नहीं होता है। तीसरे कंडीशन में हम क्या समझेंगे, लेंस का फॉर्मेशन होता है नहीं। अगर पहले कंडीशन में हम ऑप्टिक वेसिकल को वाइल्ड फॉर्म में रखते हैं, वाइल्ड फॉर्म मतलब कोई म्यूटेशन या कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, नो चेंज एंड नो म्यूटेशन, नो चेंज, उसके ही हम क्या कहेंगे वाइल्ड फॉर्म। और मान लो कि सरफेस एक्टोडर्म भी हमारे कौन से फॉर्म में, वाइल्ड फॉर्म में, मतलब यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। तो ये दो ही अगर नॉर्मल फॉर्म में होते तो क्या वहां पे लेंस का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, यस इस कंडीशन में लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो हमें पता चल रहा है कि लेंस के फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिक वेसिकल को भी नॉर्मल होना रहेगा और सरफेस एक्टोडर्म का भी नॉर्मल होना उतना ही जरूरी है, तभी जाके वहां पे क्या बनेगा, तभी जाके वहां पे क्या होगा, लेंस का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। तभी जाके वहां पे कौन फॉर्मेशन होगा, लेंस का फॉर्मेशन। अब कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो कि सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में मान लो कि ये वाइल्ड फॉर्म में, वाइल्ड फॉर्म में कौन, ऑप्टिक वेसिकल वाइल्ड फॉर्म में, बट पैक सिक्स जो बना रहा था सरफेस एक्टोडर्म म्यूटेंट फॉर्म में, डबल म्यूटेंट फॉर्म में, तो क्या वहां पे लेंस का फॉर्मेशन होगा, नहीं, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ लेंस, वहां पे लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि वहां पे हमें एक बात तो पता चल रही है, ये वाइल्ड फॉर्म होने से चलेगा नहीं, कौन ऑप्टिक वेसिकल, वहां पे कौन वाइल्ड फॉर्म में होना चाहिए, सरफेस एक्टोडर्म भी वाइल्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर अगर आप दूसरे रीजन में अगर इसको इम्प्लांट कर रहे हो, किसको, न्यूरोनल एक्टोडर्म को, तो वहां पे आई लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन मान लो कि हम किसको इसको म्यूटेंट करेंगे, सरफेस एक्टोडर्म या ऑप्टिक वेसिकल का न्यूरोनल एक्टोडर्म को यहां पे म्यूटेंट कर देंगे, म्यूटेंट यानी कि यहां पे पैक्स सिक्स माइनस करेंगे और यहां पे नॉर्मल रख देंगे, पैक्स सिक्स नॉर्मल होगा यहां पे वाइल्ड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, वाइल्ड फॉर्म में। क्या इस कंडीशन में आपको लेंस का फॉर्मेशन मिलेगा, यस ऑफ कोर्स मिलेगा, यहां पे भी लेंस का फॉर्मेशन होता। मतलब क्या है कि न्यूरोनल एक्टोडर्म का कोई भी पार्ट, न्यूरोनल एक्टोडर्म का कोई भी पार्ट अगर कैसे होता है वहां पे, न्यूरोनल एक्टोडर्म का कोई भी पार्ट वहां पे प्रेजेंट हो सरफेस एक्टोडर्म के साथ, अगर वहां पे सिग्नलिंग होती है तो सरफेस एक्टोडर्म किसका फॉर्मेशन कराएगा, सरफेस एक्टोडर्म किसका फॉर्मेशन कराएगा, लेंस का फॉर्मेशन कराएगा। ये थी तीसरी कंडीशन। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वन नोट क्रैश हो चुका है ऐसा मैसेज आ रहा है, एक मिनट।
ओके, तीसरे कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, पैक सिक्स नॉर्मल था, वाइल्ड फॉर्म में था सरफेस एक्टोडोम के ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर चौथी कंडीशन हम ऐसे ले लेंगे, मान लो कि फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, और फोर्थ कंडीशन में दोनों भी म्यूटेंट फॉर्म है, ये भी पैक सिक्स यहाँ पे माइनस, पैक सिक्स माइनस, यहाँ पे भी पैक सिक्स माइनस, डबल म्यूटेंट कंडीशन, तो क्या यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो एक्सपेरिमेंट फोर का कंक्लूजन ये है, न्यूरोनल एक्टोडर्म एज वेल एज सरफेस एक्टोडर्म का वही पार्ट जो किसको प्रोड्यूस करता है, पैक सिक्स को नॉर्मली प्रोड्यूस करता है, वो होने चाहिए। अगर वो दोनों नहीं होते तो वहां पे क्या होगा, आईलेंस का फॉर्मेशन होगा नहीं। दोस्तों बहुत बार यहाँ पे इसी टॉपिक के ऊपर क्या होता है, सीएसआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमने कौन से एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मतलब आपको बता दिए, तो ऑप्टिक वेसिकल यानी न्यूरोनल एक्टोडर्म, न्यूरोनल एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म एंड लेंस का फॉर्मेशन, किस कंडीशन में लेंस फॉर्म होता है या किस कंडीशन में लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉर्निया के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कॉर्निया का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब लेंस के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वहां पे, अब किसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वहां पे, कॉर्निया का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो कॉर्निया के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कॉर्निया, कॉर्निया किस चीज से फॉर्म हो रहा है दोस्तों, कॉर्निया फॉर्म हो रहा है वहां पे, तो रिमेनिंग जो पार्ट था बनने के बाद, किसका, लेंस का पार्ट बनने के बाद, मान लो कि यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास, ये ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है, मान लो कि ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है, और ये जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अबाउट द लेंस, लेंस के एंट्री एंड पोस्टीरियर के बारे में भी बात किया, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पे, मतलब क्यूबॉइडल सेल्स तो होते हैं, उसके बाद कोलुमनार सेल्स, ये कौन से सेल्स होंगे, पोस्टीरियर रीजन के कोलुमनार सेल्स, कॉलम लाइक, और ये एंटीरियर के कौन से सेल होंगे वहां पे, तो क्यूबॉइडल सेल्स होंगे वहां पे, एंट्री पे कौन से सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ लेंस एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर, पोस्टीरियर पे क्या था, क्यूबॉइडल सेल्स किस में कन्वर्ट हो चुके, कॉलमनार सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स में कन्वर्ट हो गया, फाइबर का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेंस फाइबर, लेंस फाइबर, सही बात है। उसके बाद जो बचा हुआ स्ट्रक्चर था यहाँ पे, उसके बाद जो बचा हुआ स्ट्रक्चर था किसका, सरफेस एक्टोडर्म का, तो स्ट्रक्चर था कौन सा, दैट इज अबाउट द सरफेस एक्टोडर्म। अब जो बचा हुआ सरफेस एक्टोडर्म का जो पार्ट है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रिज्म टू कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स कहेंगे या लेयर कहेंगे, प्रिज्म टू प्रिज्म टू कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स कहेंगे। तो अब क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर से कौन बनेगा, अब कॉर्निया का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्निया का फॉर्मेशन होगा। कॉर्निया के फॉर्मेशन के लिए ओके, सिर्फ उतना ही पार्ट निकाल के हम समझाने की कोशिश करेंगे। प्रिज्म ट्यूब कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स, वहां पे क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल से कुल न्यूरल क्रेस्ट, कुछ कौन, न्यूरल क्रेस्ट इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू होता है, कौन, न्यूरल क्रेस्ट, मान लीजिएगा कि स्ट्रक्चर किसका है, न्यूरल क्रेस्ट, सो न्यूरल क्रेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम, न्यूरल क्रेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम मेसेनकाइम, डिराइव्ड फ्रॉम मेसेनकाइम,
डिराइव फ्रॉम मेसेनकाइम, वो क्या होना शुरू होता है, माइग्रेट होना वहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे माइग्रेशन हम देख रहे थे, माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट विच डिराइव फ्रॉम मेसेनकाइम, विच डिराइव फ्रॉम मेसेनकाइम, तो क्या होना शुरू होगा वहाँ पे, वहाँ पे स्ट्रोमा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, या स्ट्रोमल फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। अब क्या होगा वहाँ पे, स्ट्रोमल फॉर्मेशन। उसके बाद सिलेटेड यानी कि एंडोथेलियम का भी फॉर्मेशन होगा। उसके बाद स्ट्रोमल केराटिनोसाइट्स वहाँ पे आएंगे, या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली वहाँ पे किसका फॉर्मेशन बना रहेगा, वहाँ पे कॉर्निया का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर वाले रीजन में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, दीज आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, एज अ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड FIED स्क्वैमस एपिथेलियल सेल हो गया यहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा ऐसा स्ट्रोमा, जिसके अंदर हमें कौन देखने को मिलेगा, केराटिनोसाइट्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे छोटा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोथेलियम का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। किसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, एंडोथेलियम का स्ट्रक्चर, और उसके पहले जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, दिस इज नोन एज लेंस एपिथेलियल सेल्स, दीज आर द लेंस, मतलब ये होगा लेंस का स्ट्रक्चर, ये होगा सेकंड स्ट्रक्चर, दैट इज अबाउट द एंडोथेलियम, और यहाँ पे कॉम्पैक्शन होगा स्ट्रोमा का, ये होगा स्ट्रोमा, जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा वहाँ पे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ पे कुछ कौन देखने को मिलेगा हमें, स्ट्रोमल केराटिनोसाइट, कौन देखने को मिलेगा सेल, स्ट्रोमल केराटिनोसाइट्स देखने को मिलेगा। तो ऐसे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉर्निया का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कॉर्निया का। कॉर्निया के बाहर भी एक लेयर होता है, दैट लेयर इज नोन एज अ कंजंक्टिवा, कॉर्निया के बाहर भी एक लेयर होता है आइज में, दैट इज नोन एज अ कंजंक्टिवा, किसका कौन होता है, कंजंक्टिवा। और मान लीजिएगा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कॉर्निया का, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, कॉर्निया का। तो कॉर्निया का ऐसे फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब एक दो बातें हैं यहाँ पे, हार्मोन थायरोक्सिन का रोल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, हार्मोन थायरोक्सिन, हार्मोन थायरोक्सिन का क्या रोल होता है वहाँ पे, यहाँ पे डिहाइड्रेशन क्रिएट कराता है, क्या क्रिएट कराएगा ये, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद वहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो वहाँ का पार्ट क्या हो सकता है, थोड़ा सा टफनेस आएगा उसमें, क्या होगा वहाँ पे, थोड़ा सा टफनेस प्रोड्यूस होगा बाहर के साइड से, आइज के बाहर के साइड, थोड़ा सा टफ पार्ट वहाँ पे बनना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। वो डिहाइड्रेशन कौन कराता है, थायरोक्सिन। तो ये हो गया किसके बारे में, लेंस एंड कॉर्निया के फॉर्मेशन के बारे में, इतना जो हम बात किया अभी तक, तो लेंस एंड कॉर्निया के फॉर्मेशन के बारे में था। अब कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें समझने की कोशिश करना होगा हमें। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है OTX1, जिसका नाम है OTX1, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोडेंटिकल वन प्रोटीन। एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर होता है ये, और ये कहाँ पे काम करेगा, रेटिना के फॉर्मेशन में काम करता है, रेटिनल फॉर्मेशन में काम कराता है, एज वेल एज रेटिनल डिफरेंशिएशन में भी ये काम कराता है, रेटिनल फॉर्मेशन एज वेल एज रेटिनल डिफरेंशिएशन में ये काम करता है, रेटिनल फॉर्मेशन एंड रेटिनल डिफरेंशिएशन। इसका नाम याद रखिए ऑर्थोडेंटिकल वन, विच एक्ट एज अ काइंड ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर, विच एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
दोस्तों अब हम बात करेंगे, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर था, और प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म से हमारे पास कितने स्ट्रक्चर आएंगे, दो स्ट्रक्चर आ सकते हैं यहां पे, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट का होगा स्ट्रक्चर, एक इसका होगा न्यूरल प्लेट, और यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज अबाउट, मान लो कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अबाउट द प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट, पहले तो न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होगा ना, लेंस फॉर्मेशन के पहले या रेटिना के फॉर्मेशन पहले या ऑप्टिक कप के फॉर्मेशन के पहले, तो यहां पे होगा जो स्ट्रक्चर दैट इज अबाउट द प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस, जो किसका फॉर्मेशन कराएगा आगे जाके, प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कराएगा, किसका फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, आगे जाके यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा वहां पे। प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट से क्या होगा वहां पे? प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन होगा, प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप, प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप, इसका फॉर्मेशन होगा। प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप से किसका फॉर्मेशन होगा आगे जाते हैं, प्रोस्पेक्टिव या ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, और इधर इस जगह पे किसका फॉर्मेशन होगा, लेंस प्लैकोड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप से किसका फॉर्मेशन होगा यहां पे, ऑप्टिक वेसिकल का, और यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, लेंस प्लैकोड का, क्योंकि हमें पता है कि लेंस प्लैकोड को ऑप्टिक वेसिकल क्या कर रहा था, सिग्नल कर रहा था, तो ये जो सिग्नल है दैट इज अबाउट द इंडक्टिव सिग्नल, इंडक्टिव सिग्नल होगा ये। अब ऑप्टिक वेसिकल से क्या बनेगा, ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन, ऑफ ऑप्टिक कप, ओके। लेंस प्लैकोड से क्या होगा, लेंस वेसिकल बनेंगे यहां पे, लेंस प्लैकोड से क्या होगा, लेंस के वेसिकल बनेंगे, लेंस प्लैकोड से क्या होगा वहां पे, लेंस के वेसिकल बनेंगे, सो लेंस के वेसिकल फाइनली किसका फॉर्मेशन करेंगे आप, लेंस का फॉर्मेशन, एंड हमें पता है कि ऑप्टिक कप किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑप्टिक कप रेटिना का, एक होगा न्यूरोनल रेटिना और दूसरा होगा पिगमेंटेड रेटिना, पिगमेंटेड एपिथेलियम या रेटिना या रेटिनल एपिथेलियम, पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियम, तो ये बात है। सो इसको फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिक कप को कौन सिग्नलिंग कर रहा था, फिर
लेंस वेसिकल, किसके फॉर्मेशन के लिए, न्यूरल रेटिना के फॉर्मेशन के लिए या पिगमेंटेड रेटिना के फॉर्मेशन। तो ये कौन सा था, रेसिप्रोकल इंडक्शन था, ये कौन सा बात था, रेसिप्रोकल इंडक्शन था, दिस इज अबाउट द रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो ये चीज़ें एक दूसरे को क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट किसको सिग्नल करेगा, प्रोस्पेक्टिव इपिडर्मिस को सिग्नल करेगा, फिर प्रोस्पेक्टिव इपिडर्मिस को हार्ट से भी सिग्नल आ सकता है यहाँ, या फेरिंग से भी सिग्नल आता है, प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म को। उसके बाद ऑप्टिकल ऑप्टिक वेसिकल किसको सिग्नल करेंगे, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म को किसके फॉर्मेशन के लिए, लेंस प्लैकोड के फॉर्मेशन के लिए, लेंस प्लैकोड के फॉर्मेशन के लिए, लेंस प्लैकोड के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद लेंस वेसिकल किसको सिग्नल करेगा, ऑप्टिक कप को किसके फॉर्मेशन के लिए, रेटिना के फॉर्मेशन के लिए। अब एक बात हो सकती है कि लेंस वेसिकल यहां पे, लेंस वेसिकल एक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे किसको, कॉर्नियल प्रिज्मटिव एपिथेलियल सेल्स को सिग्नल करेंगे। क्यों, वहां से क्या फॉर्म करना है हमें, वहां से क्या फॉर्म करना है, कॉर्निया, किसका फॉर्मेशन करना है, कॉर्निया का। सो यहां पे लेंस का भी फॉर्मेशन हो गया, कॉर्निया का भी फॉर्मेशन हो गया, और रेटिना का भी फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, रेटिना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रेटिना, रेटिना के फॉर्मेशन वाला ये टॉपिक है पूरा का पूरा। तो इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ से कहाँ सिग्नल जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे सिग्नल जा रहा है, कभी कभी यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो को भी समझने की कोशिश कीजिए, कौन किसको सिग्नल करता है, कहाँ पे इंडक्टिव सिग्नल होगा, कहाँ पे रेसिप्रोकल सिग्नल होगा, तो ये सब बातें हो गई। दोस्तों आज का लेक्चर हमने कहाँ से शुरू किया था, आइज के फॉर्मेशन से शुरू किया था। तो आज के लेक्चर में बस ये तक हम बात करते हैं और यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन से आपको भी फ़ायदा मिलता है और हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमें भी पता चलता है कि लोग हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं या लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ करके आप शेयर मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं दोस्तों, फाइनली जय हिंद।